नांदेडमध्ये आज 5 ते 6 जणांच्या टोळक्याने भरदिवसा व्यंकटराव पाटील कवळे बिगर शेती पतसंस्थेवर सशस्त्र दडोडा टाकल्याने खळबळ उडाली आहे. उमरी तालुक्यातील गर्दीच्या ठिकाणी सिंधी येथे असलेल्या VPK बँकेत दुपारी 5 ते 6 हातात धारदार तलवारी घेऊन आले आणि कर्मचाऱ्यांना काही कळण्याच्या आतच तलवारीचा धाक दाखवत बँकेतील 2 लाखावर रक्कम लुटून पसार झालेत. ही संपूर्ण घटना CCTV कैद झाली आहे. उद्योगपती तथा काँग्रेसचे नेते मारुतराव कवळे गुरुजी यांची ही बँक आहे. बँकेवर दरोडा पडल्याची बातमी गावकऱ्यांना कळताच गावकऱ्यांनी दरोडेखोरांचा पाठलाग केला. यावेळी एक जण गावकऱ्यांच्या हाती लागला, त्याला गावकऱ्यांनी बेदम मारहाण केली आहे आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले. दरोडा टाकणारे सर्वजण हे नांदेडमधील असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली असून या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 1400 बजे कॉल आया मुझे कवळे सर का कि हमारी बैंक जो है कैलास अशे वेंकटराव पद संस्था उसमें दरोडा गिर गया और 7 लोगों ने पैसे लेके गए और उसमें का एक आदमी पकड़ा है. तो तुरंत ही मैं और मेरा पुलिस स्टाफ 2 गाड़ियाँ लेके यहाँ पे पहुँच गया. वहाँ देखा एक आदमी को पकड़ा है और टोटल कैश उसमें 2,2479 रुपये गई है और अभी पूछताछ चालू है आरोपी के नाम्स वगैरह खोजने के लिए चालू है. हाँ सर, ये सब गांव वालों ने उसे फिल्म स्टाइल से पकड़ा था, वो कहाँ के ये सभी लोग ऐसा कोई जानकारी है? सभी यहाँ पे कारखाना है और पद संस्था है, इसलिए लोग पैसे लेने देने के लिए आते हैं और कारखाने की वजह से यहाँ पे स्टाफ वगैरह पूरा रहता, तो बहुत जिम्मेदारी से यहाँ के स्टाफ ने उसको पकड़ा है. सर, ये आरोपी जो मिले हैं तो ये क्या नांदेड़ के ही है फिर कौन से गैंग के? नांदेड़ के ही है, अभी गैंग का तो नहीं पता लेकिन नांदेड़ के पूरे आरोपी है यहाँ. ओके.